The next visualization that we are going to see is the best bowler visualization, right? और बहुत सिंपल रहेगा वहाँ पे, हम बस एक बार चार्ट प्लॉट करेंगे जहाँ पर जिस बॉलर ने सबसे ज़्यादा विकेट्स लिए होंगे वो सबसे पहले आएगा, उसके बाद सेकेंड, फिर थर्ड अक्रॉस ऑल सीजन्स, एंड देन विल पुट अ फिल्टर फॉर इंडिविजुअल सीजन्स एंड विल पुट वन मोर फिल्टर फॉर बोलिंग टीम, सो दैट तुम टीम बाई टीम परफॉर्मेंस भी देख पाओ और सीजन बाई सीजन परफॉर्मेंस भी देख पाओ, ठीक है? सो आई अगेन क्रिएट वन न्यू वर्कशीट लाइक दिस, डबल क्लिक, एंड द नेम ऑफ दिस वर्कशीट इज गोइंग टू बी बेस्ट बोलर, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट ड्रैग द बोलर वाला एंटिटी टू योर कॉलम्स वाला एरिया, एंड दीज आर द वेरियस बोलर्स हु हैव बोल्ड एट लीस्ट वन बॉल इन IPL, राइट? नाउ हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कि एक बोलर ने कितने विकेट्स लिए, इट्स स्टोर्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉलम प्लेयर डिसमिस्ड. सो वंस यू ड्रैग इट ऑन टू द रोज वाला कॉलम, अब इस साइड में हमारे बैट्समैन है, रोज में हमारे बैट्समैन है और कॉलम्स में हमारे बॉलर्स हैं, राइट? और जहां जहां पे विकेट्स मिले हैं, लाइक आशीष नेहरा ने इस बंदे को आउट किया था, ए फ्लिंटॉफ को, राइट? सो ये जो ABC शो कर रहा है ये हमारे पिवट टेबल पे विकेट का डेटा शो कर रहा है और बाकी सारा डेटा इज मिसिंग, इट्स नॉट अवेलेबल बिकॉज ऑब्वियसली उन बॉल्स पे या इस पर्टिकुलर बैट्समैन बॉलर ने, आशीष रेड्डी ने खुद को कभी आउट नहीं किया, नॉट पॉसिबल, राइट? इसलिए ये वैल्यूज खाली हैं, ठीक है? बट अगेन हमारा इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए था दैट वॉज द काउंट ऑन द विकेट्स, राइट? सो वॉट यू विल डू इज दिस टाइम यू विल क्लिक ऑन द ड्रैग दिस ड्रॉप डाउन एंड दिस टाइम यू विल सेलेक्ट मेजर से काउंट. एनी गेसेस काउंट डिस्टेंट क्यों सेलेक्ट नहीं किया? बिकॉज अगर तुम काउंट डिस्टिंक सेलेक्ट करते तो क्या प्रॉब्लम होता? लेट्स से एक बॉलर है, लेट्स से जहीर खान, और उसने एक बैट्समैन विच इज सचिन तेंदुलकर उसको तीन बार आउट किया. बट अगर तुम काउंट डिस्टिंक कर लेते तो तीन विकेट्स कितनी बार काउंट होते हैं? एक बार. बट हमें क्या चाहिए? जितनी बार उसने उस बैट्समैन को आउट किया उतनी सारे बार हमको काउंट करना है, इसलिए इस बार हम काउंट डिस्टिंक ना करके काउंट करेंगे लाइक दिस, एंड नाउ दिस विल गिव मी द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय द बोलर्स, राइट? सो द प्रॉब्लम इज कि इफ आई गो टू दिस गाय लसित मलिंगा, आई डोंट नो, इससे अच्छा रहता कि हम इस आइकन पे क्लिक करते एंड हियर इट इज. सो हमने एक बार एनालिसिस किया था क्लास में तो हमको पता चला था कि 170 इज नॉट द करेक्ट नंबर बिकॉज इसमें रनआउट्स भी इंक्लूडेड है, राइट? और रनआउट के विकेट्स इफ यू नो क्रिकेट बॉलर को नहीं मिलते या बॉलर के लिए काउंट नहीं होते, वो टीम के विकेट्स होते हैं, राइट? सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गलत दिखा रहे हैं. तो इफ यू वॉन्ट तुम एक कैलकुलेटेड फील्ड बना सकते हो बॉलर विकेट बोल के कि हम सिर्फ वो काउंट करेंगे जो बॉलर को मिला, राइट? तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड लाइक दिस. सो वी कैन राइट बॉलर विकेट एंड द कोड वुड बी लाइक दिस. सो इफ यू रिमेंबर हमारे पास एक कॉलम था डिसमिसल काइंड जहां पे आउट होने का तरीका बताया हुआ है कि वो बोल्ड हुआ, कॉट हुआ, कॉटन बोल्ड हुआ, स्टम्प हुआ, इस तरह का इन्फॉर्मेशन रहता है. वॉट यू कैन डू इज यू कैन राइट इफ एल स्टेटमेंट्स इन टैब्ल्यू लाइक दिस. यू कैन राइट इफ डिसमिसल काइंड इक्वल टू कॉट और आई गेस और यहां पे ऐसे लिखते हैं, यस, और dismissal kind equal to caught and bold or dismissal kind equal to bold. हमने bold लिख दिया क्या? नहीं, caught लिखा है, so we can write bold. और मेरे को बाकी के डिसमिसल काइंड्स याद नहीं आ रहे. सो व्हाट यू विल डू नाउ इज अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि सिर्फ इन तीन के विकेट्स काउंट करते हैं. तुम लोग एक बार डेटा देख लेना और अकॉर्डिंगली इफ को पूरा बिल्ड कर लेना, ठीक है? सो नाउ इसके बाद व्हाट यू विल डू इज यू विल राइट एंटर. अगर इन तीनों में है तो देन आई विल राइट प्लेयर डिसमिस्ड एंड आई विल राइट
end. This is the program, right? You have to remember ki whenever you are writing if statements, you have to end it with this end wala statement. ठीक है, so अगर इनमें से कोई भी है तो ही मैं उसको काउंट करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं रखूंगा. ठीक है, so ये कंप्लीटली नया कॉलम बना जहां पे प्लेयर का नाम तभी आएगा जब उसका डिसमिसल का एंड ये होगा. ठीक है, ये तीन. सो आई क्लिक ऑन ओके एंड दिस इज माई बोलर विकेट वाला कॉलम और इट शुड बी शुड हैव बीन फाइन, चलेगा, इट शुड बी अ डायमेंशन, राइट. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव दिस थिंग एंड इंस्टेड आई विल ड्रैग bowler wicket over here and again I'll go to measure and I'll count and this is 144 I don't know, shayad 154 tha malinga ka if I'm correct kyunki humne kya kya add nahi kiya hai, humne shayad lbw add nahi kiya, whatever, see aap ek bar jaake dekh lena. Malinga, bravo, हरभजन सिंह, अमित मिश्रा, सो आई गेस डेटा ऑलमोस्ट करेक्ट है, राइट. नाउ व्हाट आई विल डू इज कि आई विल फिल्टर इट ऑन द बेसिस ऑफ सीजन फर्स्ट. सो सीजन इज वेयर इज सीजन, या ओवर हियर, फिल्टर पे ड्रॉप किया, ऑल सेलेक्ट किया, अप्लाई मारा और ओके एंड शो फिल्टर पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन ले लिया. And now we can see कि first season में it was Sohail Tanveer with 19 wickets, 2009 में it was RP Singh, 2016 में it was Bhuvneshwar Kumar with 22 wickets, right? Again, what you can do is you can drag and drop bowling team on the color वाला mark and season के हिसाब से you'll get the color और team का नाम, right? So great visualization. One more thing that we can do is we can create a filter on the basis of bowling team like this. Again, I'll select before selecting this, I'll select all the seasons like this. And now I'll drag this bowling team. I'll select all the teams. I'll click apply. Okay. Show filter. Drop down. So here it is. Ashwin took 75 wickets in all the seasons abhi tak. Same goes for Bravo, 75 wickets. If you talk about 2017 wala, Chennai nahi khel rahi thi. If you talk about 2015 wala, it was Bravo again, Nehra and then other players. Again you can go to RCB. So Yuzvendra Chahal and Mitchell Stark. Theek hai? So color change ho rahe hai. लेबल्स के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि काउंट बॉलर विकेट जो हमारा डेटा है, बैट्समैन एवरेज इज देयर, वेयर इज ओके, इट्स वाज देयर, बॉलर विकेट को उठा करके हम लेबल पर डाल देंगे. और बॉलर विकेट को हम मेजर में जाके काउंट लिख देंगे. एंड नाउ यू कैन सी ऊपर हमारा काउंट भी आ रहा है, right? So now if I go to Mumbai Indians for the season of 2015, Malinga took 23 wickets and so on. ठीक है, so इस पूरे visualization में सब कुछ सही चल रहा है except for one mistake, मैंने सारे dismissal kinds को consider नहीं किया. तो एक बार जब तुम code करो, please make sure कि तुमने सारे dismissal kinds को if वाले में डाल दिया है. ठीक है, so this was the best bowler वाला visualization. I guess अभी तक समझ में आया.